फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद इलाके में बदमाशों की गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद हुई है। बदमाशों ने दो युवकों को बुरी तरह पीटा, जिसमें एक युवक के सिर में कई जगह चोटें आई हैं और दूसरे की कॉलर बोन टूट गई है, जिनका भी एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला ग्रेटर फरीदाबाद की एडोर सोसाइटी का है, जहां पर रहने वाले लोगों ने सोसाइटी के अंदर ही रहने वाले रोहताश चंदीला पर आरोप लगाए हैं कि आरोपी ने बीती रात सोसाइटी के लोगों के साथ शराब पीकर झगड़ा किया। जब सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया तो उसने फोन करके 10-12 बदमाश बाहर से बुला लिए। इसके बाद बदमाश जो गाड़ी में सवार होकर आए थे, सभी ने हाथों में लाठी डंडे और लोहे की रोड ली हुई थी। उन्होंने आव देखा न ताव, जो भी उनके रास्ते में पड़ा वो उसको पीटता चला गया। तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेखौफ बदमाशों ने किस कदर सोसाइटी के अंदर आकर सरेआम युवकों को पीटना शुरू कर दिया, जिससे दो युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसके बाद जैसे ही सोसाइटी के लोगों को पता लगा कि बाहर से बदमाश आकर सोसाइटी में गुंडागर्दी और मारपीट कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फोन किया और बदमाशों के पीछे दौड़ना शुरू किया। लोगों की भीड़ को आता देख बदमाश गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। लोगों के मुताबिक इससे पहले भी 2 बार बाहर से आए बदमाश यहां पर गुंडागर्दी कर चुके हैं। अब उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। कल हम सारे लोग सोसाइटी में माता के जागरण का आयोजन किया है, तो उसको लेकर के हम 5-6 बंदे आपस में डिस्कशन कर रहे थे और हमारे बच्चे हमारे साथ खड़े थे। एक बंदा कार से आता है, कार रोक करके वो कार से उतरता है और हमारे बच्चों को चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, थप्पड़ मारने की धमकी देने लगता है। जब हम लोगों ने उसको अपोज किया तो बंदा रॉड निकाल लेता है। लोगों ने जब उसको रोका तो उसकी बीवी नीचे उतर के चिल्लाने लगती है और धमकियां देने लगती है। जब हम लोगों ने उसको अपोज किया, सारी चीज़ें समझा दी और बात ख़त्म हो गया, फिर हम बिल्डर से बात करने लगे। इतनी ही देर में उन्होंने सोसाइटी के बाहर से गुंडे बुलाए, जो कि सरिया बांस बल्ली डंडे लेकर के सोसाइटी के अंदर घुसे और जो बंदे वहां पे खड़े थे उन पे टूट पड़े, जिसके अंदर में हमारे सोसाइटी के 2 बंदे लाखन सिंह और वीपी कौशिक गंभीर रूप से घायल हुए। जो गाड़ी में आए थे करीब 7 से 8 बंदे थे, जैसा कि हमने देखा, क्योंकि जब वो लोग आए डंडे वंडे लेके तो हमारी सोसाइटी में भगदड़ मच गई थी। उसके बाद उनके पीछे पीछे 6-7 लोग और आए, जिनके हाथों में आयरन थी, आयरन की रॉड्स थी, डंडे थे, स्टिक्स थी, और उन्होंने आते ही उन स्टिक्स से हमला बोल दिया। क्या कारण है, किस लिए, विवाद कुछ नहीं था। विवाद दो बच्चे रोड पे खेल रहे थे और अचानक से एक तेज़ गाड़ी आई, उन बच्चों के आगे आके रुकी और वो उसमें से एक बंदा निकला जो कि हमारा यहीं पर रहने वाला है, F-101 में। क्या नाम है? उनका नाम रोहतास है। तो उन दारू पिए हुए थे, नशे में धुत थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और इमीडिएटली उन्होंने निकल के उस बच्चों को डांटना स्टार्ट कर दिया। जब वहाँ पे खड़े हुए पेरेंट्स ने उनको बोला क्या बात हुई है, तो वो रोड निकाल के उनको भी मारने आया। वो अपनी सेंसेस में ही नहीं था, ही वॉज टू ड्रंक। कल रात को जिस टाइम मैं आई नीचे, शोर शराबा सुन के, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, वो सुनकर हम लोग नीचे आए तो देखा कि 8-10 लोग जो हैं, लड़के लोग हैं, उनके हाथ में डंडा सरिया हॉकी जो था वो सब लेकर हमारे सोसाइटी के लोगों के पीछे दौड़ रहे थे और उन्हें मार रहे थे। कारण सर परसों से स्टार्ट था कि परसों भी वो रश गाड़ी चला रहे थे, परसों मेरे हस्बैंड के ऊपर ही उन्होंने मतलब चढ़ा दी होती। उन्होंने उनसे बोला कि आप कैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो वो गंदे तरीके से बोलकर फिर चले गए। और कल रात को 10 बजे के करीब बच्चा एक गाड़ी चला खेल रहा था, तो उनकी गाड़ी के आगे बाय चांस वो आ गया, तो उन्होंने उसे रोक कर निकला और उसको थप्पड़ मारने लगा। तो जेंट्स लोग सब खड़े थे वहाँ पे, बोलने लगे कि आप थप्पड़ कैसे मार रहे हैं, बच्चे को गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाइए। लेकिन उसने फिर बहुत गंदे तरीके से बोला किसका है तू, और फिर उसने कार में से रोड निकाली और मारने के लिए, वो बतौली गांव के, बड़ोली है कि बतौली है उस गांव के, बता रहे हैं कि उस गांव से बुलाए हैं उन्होंने। उसकी लेडी जो उनकी वाइफ थी वो बहुत अग्रेसिव हो रही थी और उसी ने फ़ोन किया हमारे सामने ही कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बताऊंगी तुम्हें, तो उसी ने हमारे सामने ही फ़ोन किया है, उन लड़कों को बुलाया है। और फिर उसके बाद वो अपने घर चली गई और वो उसका हस्बैंड फिर गाड़ी में बैठ के 4-5
लोगों के साथ पीछे चार पांच पीछे आ रहे थे, चार पांच गाड़ी में से उतरे हैं, फिर उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया हमारे। वहीं इस मामले पर जब हमने जांच अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने एक शख्स के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसको वो जानते हैं और वो सोसाइटी में ही रहता है। बाकी 810 नामालूम लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी में आकर झगड़ा किया है, सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये आपसी झगड़ा हुआ है, बच्चों के ऊपर झगड़ा हुआ था, जो लखन सिंह है उसके दरखास्त उसके बयान पर मुकदमा दर्ज कर दिया। किसके खिलाफ सर ये दरखास्त दी गई? ये रोहित चंदेला के नाम दरखास्त दी गई है। रोहित भी उसी सोसाइटी में रहता है? रोहित भी उसी सोसाइटी में रहता है। सर इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, धारा 148, 149, 323, 506 का दर्ज कर दिया। सत्य खबर के लिए फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।